हेलो फ्रेंड्स, आज आम ओडिया ग्रामर पर आउ किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा। ये क्वेश्चन गुड़िक आपंकर अपकमिंग पोस्टेड एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहा सहित ये क्वेश्चन गुड़िक ओटीईटी एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सो भिडियो शेष पर्यटन देखिए, भिडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे, सेयार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो चलतु स्टार्ट करवा किसी क्वेश्चन। सो आम फास्ट क्वेश्चन कहला दिवा रात्रि एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला कृदंतगत, ऑप्शन बी कहला संधिगत, ऑप्शन सी कहला समासगत, ऑप्शन डी कहला लिंगगत। तर आंसर हो ऑप्शन नंबर सी समासगत। दिवारात्रि आमर समासगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अभड़ा एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला वचनगत, ऑप्शन बी कहला लिंगगत, ऑप्शन सी कहला संधिगत, ऑप्शन डी कहला बनानगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बनानगत। तो अभड़ा आम बनानगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सृजन एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला कृदंतगत, ऑप्शन बी कहला तद्धितगत, सी कहला बनानगत, डी कहला समासगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर ए कृदंतगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सूर्य पराग एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला कृदंतगत, ऑप्शन बी कहला तद्धितगत, ऑप्शन सी कहला बनानगत, ऑप्शन डी कहला संधिगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर डी संधिगत। तो सूर्य पराग आम संधिगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सुकेशिनी एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला वचनगत, ऑप्शन बी कहला लिंगगत, ऑप्शन सी कहला संधिगत, ऑप्शन डी कहला विशेषगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर बी लिंगगत। तो सुकेशिनी आम लिंगगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आमिष्कार एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला विशेष्यगत, ऑप्शन बी कहला णत्व विधिगत, ऑप्शन सी कहला सत्व विधिगत, ऑप्शन डी कहला लिंगगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सत्व विधिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अपराह्न एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला लिंगगत, ऑप्शन बी कहला सत्व विधिगत, ऑप्शन सी कहला संधिगत, ऑप्शन डी कहला णत्व विधिगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर डी णत्व विधिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया जनता मानकर एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला बनानगत, ऑप्शन बी कहला लिंगगत, ऑप्शन सी कहला वचनगत, ऑप्शन डी कहला विशेष्यगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर डी विशेष्यगत। तो जनता मानकर एम विशेष्यगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया गिरीश एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला संधिगत, ऑप्शन बी कहला समासगत, ऑप्शन सी कहला कृदंतगत, ऑप्शन डी कहला लिंगगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर ए संधिगत अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सुषमा एठार कि प्रकार अशुद्धि रही है। ऑप्शन ए कहला लिंगगत, बी कहला वचनगत, सी कहला णत्व विधिगत, डी कहला सत्व विधिगत। तो आम आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सत्व विधिगत। तो सुषमार आम सत्व विधिगत अशुद्धि रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शब्दटर शुद्ध रूप पचार कृतांजलि कृतांजलि कौटा आम ठीक हम ऑप्शन ए जो कृतांजलि कृतांजलि लिखाई बीरे कृतांजलि ऑप्शन सी है जो राइट आंसर कृतांजलि यहीटा आम ठीक हम भले से देखिए शुद्ध रूप हूँ कृतांजलि यहीटा आम ठीक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शक्तिशाली कौ शक्तिशालीटा बनाटा आम ठीक हम शक्तिशाली आम शक्तिशाली ए बनाना ठीक हम ताल बेस आउ दीर्घिकार ए शक्तिशाली आम ठीक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आशीर्वाद कौ आशीर्वाद बनाटा आम ठीक हम आशीर्वाद यही आम ऑप्शन सी है राइट आंसर ए आशीर्वाद बनाटा आम ठीक हम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ध्रुव कौ ध्रुव शब्दी आम ठीक हम ध्रुव बनाटा आम ठीक हम ऑप्शन डी है राइट आंसर ध्रुव धर र फला हर्ष उकार ब ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया उत्त्यक्त कौ उत्त्यक्त बनाटा आम ठीक हम ऑप्शन बी है राइट आंसर उत्त्यक्त हर्षौ द्वितीयत जीव भड़ा उत्त्यक्त होमर यहीटा के ठीक हमें ये भी ठीक हमें ये भी ठीक हमें यहीटा आम ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शशिभूषण कौ शशिभूषण बनाटा आम ठीक हम शशिभूषण ऑप्शन सी है राइट आंसर शशिभूषण तालबेश पुणी तालबेश हर्षिकार भरे दीर्घ उकार जोटा से शशिभूषण बनाटा आम ठीक हम ये भी भूल ये भी भूल यहीटा आम ठीक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया सम्माननीय कौ सम्माननीय स्पेलींगटा आम ठीक हम सम्माननीय ऑप्शन डी है राइट आंसर सम्माननीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया माता पुत्र डैश भविष्य कामना कले तो उज्ज्वल स्पेलींग कौटा ठीक पचारे शुद्ध रूपटा पचारे उज्ज्वल ऑप्शन सी है राइट आंसर उज्ज्वल ये उज्ज्वल स्पेलींगटा आम ठीक हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ओडिशार बहु विधायक डैश ज्ञान में दक्ष नुहत शून्य स्थान ठीक शब्द लगा तो भौगोलिक भौगोलिक स्पेलींग कौटा पचारे ऑप्शन ए है राइट आंसर भौगोलिक 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 नुहे कि भौगोलिक नुहे कि भूगोलिक नुहे भौगोलिक ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पावनी एटार कि प्रकार अशुद्धि रही है पावनी में आम तद्धितगत अशुद्धि रही है ऑप्शन ए है राइट आंसर तद्धितगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पुरस्कार स्पेलींग पचार पुरस्कार कौ स्पेलींगा ठीक हम प हर्षोकार जोटा आउ दंतेश्वर जोटा आम रही आम पुरस्कार स्पेलींगा ठीक रहा प हर्षोकार जोटा ये भूल हम ये भूल हम ये भूल हम पुरस्कार ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया
भिन्न जातीय रूढ़ीटी चिन्ह ऑप्शन ए कहला आखि पकाइबा, ऑप्शन बी कहला खियो काढ़ा, ऑप्शन सी कहला कपाल फाटिबा, ऑप्शन डी कहला अंधर लौड़ी। ताला आंसर ये ऑप्शन नंबर डी अंधर लौड़ी। ताला ये जो आखि पकाइबा हो कि कपाल फाटिबा हो खियो काढ़ा ये सब होती आम क्रिया युक्त रूढ़ी, किंतु अंधर लौड़ीटा आम क्रियाजुक्त रूढ़ी नुह यहाँ आम अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निज लोक शत्रु ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी कौन? तो निज लोक शत्रु मैंने कौन ना घर ढिंकी कुंभीर, ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर निज लोक शत्रु मैंने घर ढिंकी कुंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों रूढ़ीट प्रतिशोध नेवा अर्थ प्रचलित? प्रतिशोध नेवा अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला रक्त चावल चोबाइबा, ऑप्शन बी कहला अकस रखा, सी कहला खाले पकाइबा, डी कहला दाऊ साधा। तो प्रतिशोध नेवा अर्थ कौन? दाऊ साधा, ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अकल गुड़ुम यह क्यों प्रकार रूढ़ी? तेल अकल गुड़ुम गोटा कौ प्रकार रूढ़ी पचार? ऑप्शन ए कहला क्रियाजुक्त, बी कहला क्रियाहीन, सी कहला तुलनात्मक, डी कहला उपमाजुक्त। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्रियाहीन। तेल अकल गुड़ुम हूँ आम क्रियाहीन रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अति विश्वासी अर्थ प्रकाश कर रूढ़ीटी कौन? तेल अति विश्वासी अर्थ प्रकाश कर रूढ़ीटी कौन? ऑप्शन ए कहला देह लगा, ऑप्शन बी कहला बागवता, ऑप्शन सी कहला हाथ बारिश, ऑप्शन डी कहला जपामाली। तेल आंसर हो ऑप्शन नंबर ए देह लगा, अति विश्वास मैंने हूँ देह लगा। तापर आउ गोटा क्वेश्चन कहला अहिनकूल संपर्क या कि प्रकार रूढ़ी? ताला अहिनकूल संपर्क कि प्रकार रूढ़ी पचार? ऑप्शन ए कहला उपमाजुक्त, बी कहला क्रियाहीन, सी कहला क्रियाजुक्त, डी कहला तुलनात्मक। ताल आम आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्रियाहीन। ताला अहिनकूल संपर्क ये गोटा क्रियाहीन रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बहु अबांतर कथा कहवा अर्थ प्रकाश करता रूढ़ीटी चिन्ह? ताल बहु अबांतर कथ कह रूढ़ीटी आम कौन हम? ऑप्शन ए कहला आकाश कुसुम, ऑप्शन बी कहला अंध बुझाऊणा, ऑप्शन सी कहला कुहामुंडा कबिला, ऑप्शन डी कहला कुंभीर कांदन। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी कुहामुंडा कबिला। तो अति अबांतर कथ कह बहु अबांतर कथ कह मैंने कुहामुंडा कबिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कपाल फाटा ये रूढ़ीटर अर्थ कौन? तो कपाल फाटा अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला ठकीदे, ना बी कहला सर्वनाश होगा, सी कहला मलिन पड़ा, डी कहला चिंतित होगा। तो आंसर हम ऑप्शन नंबर बी सर्वनाश होगा। तो कपाल फाटार अर्थ कौन ना सर्वनाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा ये अर्थ प्रकाश कर रूढ़ीटी कौन? तो इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा ऑप्शन ए कहला सुअ मुहर पड़ा, बी कहला कपाल खोलिया, सी कहला गोड़ टेक बसिया, डी कहला बिराड़ी कपाल को शिका छिंडा। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बिराड़ी कपाल को शिका छिंडा मैंने इच्छा अनुसार सुविधा मिलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया ओलिया गजा ये रूढ़ीर अर्थ कौन? तो ओलिया गजा अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला भाग्यफल, बी कहला कष्टसाध्य, सी कहला अतिप्रिय, डी कहला जन्मरु चतुर। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जन्मरु चतुर। तो ओलिया गजा मैंने जन्मरु चतुर, ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया अति विश्वासी ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी कौन? तो अति विश्वासी यहाँ भी आम पूर्व भी गला ये क्वेश्चनटा, तो रिपीट होगी क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहला नछोड़ बंदा, बी कहला देह लगा, सी कहला बाकुवता, डी कहला हाथ बारिश। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी देह लगा। तो अति विश्वासी मैंने कौन ना देह लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया जपामाली रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला अति सुंदर, बी कहला आप्राण उद्यम, सी कहला अतिप्रिय, डी कहला एक्जिटिया। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अतिप्रिय। तो जपामाली मैंने कौन ना अतिप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बाक बता ये अर्थ रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला अनर्थर मूल, बी कहला क्षीण आश्रय, सी कहला वृथा धमक, डी कहला एक्जिटिया। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी क्षीण आश्रय। तो बाक बता कौन ना क्षीण आश्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया दुख उपर दुख ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी कौन? ऑप्शन ए कहला तेलिया मुंडर तेल, बी कहला डेगा मुंडर ठेगा, सी कहला बोझ उपर नलिता विड़ा, डी कहला झिमिटी खेल महाभारत। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बोझ उपर नलिता विड़ा, जोटा कि हूँ दुख उपर दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया मंद भाग्य ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ी कौन? मंद भाग्य रूढ़ी कौन ना फटा कपाल, ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर फटा कपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बिराड़ी वैष्णव ये रूढ़ीटर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला अतिदुष्ट, बी कहला अनायत, सी कहला ठक, डी कहला अतिप्रिय। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ठक। तो बिराड़ी वैष्णव मैंने ठक, ऑप्शन सी हो राइट आंसर ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आकाश कुसुम ये रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला आकाशर फूल, बी कहला वृथा चेष्टा, सी कहला वृथा स्वप्न, डी कहला केवन। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी वृथा चेष्टा। आकाश कुसुमर अर्थ हो वृथा चेष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नाटर गोवर्धन अर्थलेख, ऑप्शन ए कहला एक्जिदिया, बी कहला अतिदुष्ट, सी कहला अनर्थर मूल, डी कहला अतिविश्वास। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर सी अनर्थर मूल। तो नाटर गोवर्धन अर्थ कौन ना अनर्थर मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हुंका पिटा अर्थ कौन? ऑप्शन ए कहला किसी न बुझे हठात काम लगवा, बी कहला जहाँ साहय कार्य हासिल हुए, सी कहला दुख उपर दुख, डी कहला बाध्य करे। तो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए किसी न बुझे हठात काम लगे हुंका पिटा कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन से शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले कौन कहुए? तेल जदि कौन शब्द
ता निजर अर्थ छाड़ी आउ गोटे शब्द सहित मिसिकी आउ गोटे स्वतंत्र अर्थ जदि प्रकाश करुच्ची तेल रूढ़ी बोली कही थाउ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रूढ़ी बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश नक भिन्नार्थ प्रकाश कैसे कि शब्द कहुए। तेल गोटे शब्द जे कि प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी आ गोटे भिन्न अर्थ प्रकाश कर रूढ़ी शब्द बोली कहुए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रूढ़ी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, ओडिया भाषा प्रचलित रूढ़ी प्रयोगर केतोटी धारा परिलक्षित हुए। ऑप्शन ए कहला दुईटा, ऑप्शन बी कहला चारोटी, सी कहला छोटी, डी कहला तीनोटी। ताले हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी तीनोटी। ताले ओडिया भाषा प्रचलित रूढ़ी प्रयोगर तीनोटी धारा परिलक्षित हुए। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर, तीनोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, जो रूढ़ीर पद सहति क्रियापद न थाए कि रूढ़ी कहुए। ताले जार क्रिया नाकू क्रियाहीन रूढ़ी कहुए। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर, क्रियाहीन, जार क्रिया नाई से क्रियाहीन रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, अंधर लौड़िया कि प्रकार रूढ़ी। ताल अंधर लौड़ी, ऑप्शन ए कला क्रियाजुक्त, बी कला क्रियाहीन, सी कला उपमाजुक्त, डी कला तुलनात्मक। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी क्रियाहीन। ताल अंधर लौड़ी होती हमारा क्रियाहीन रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, आखि पकाइबा कि प्रकार रूढ़ी। ऑप्शन ए कला क्रियाहीन, बी कला उपमाजुक्त, सी कला क्रियाजुक्त, डी कला तुलनात्मक। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी क्रियाजुक्त, आखि पकाइबा एटा होती हमारा क्रियाजुक्त रूढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, शब्द केते प्रकार। ऑप्शन ए कहला दि प्रकार, बी कहला तीन प्रकार, सी कहला चार प्रकार, डी कहला पांच प्रकार। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी तीन प्रकार। ताल शब्द होची हमारा तीन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, जो शब्दी प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश नक एक भिन्न अर्थ प्रकाश कैर ताक कौन कह जाए। यहाँ भी एवं आम कले जदि गोटे शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश नक यदि भिन्न अर्थ प्रकाश कैर ताल रूढ़ी शब्द बोली कही थाउ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रूढ़ी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, अन्याय विचार ये अर्थ प्रकाश करता रूढ़ीटी कौन। ऑप्शन ए कला अंधर लौड़ी, बी कहला अंध बुझावणा, सी कला अकल गुड़, डी कला अलणा कथा। ताल अन्याय विचार माने कौन ना अंध बुझावणा। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, काठिकर पाठ ये रूढ़ीर अर्थ कौन। ऑप्शन ए कला जन्मरु चतुर, बी कला वृथा स्वप्न, सी कला कष्टसाध्य, डी कला अतिप्रिय। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी कष्टसाध्य। ताल काठिकर पाठर अर्थ होउची अर्थ कष्टसाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, आखिरे धूली देवा ये अर्थ कौन। आखिरे धूली देवा माने कौन ठकी देवा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आखिरे धूली देवा माने ठकी देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, कला आ बलद मते बिंद ये अर्थटी कौन पचारे। ऑप्शन ए कला ठकी देवा, बी कला संपर्क न रखा, सी कला जीविका छड़ाई ना, डी कला विपद को डाकि आने। तेलर आंसर है विपद को डाकि आने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विपद को डाकि आने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, उषुना धान गजा होगा अर्थटी कौन। तेल उषुना धान गजा होगा अर्थ है असंभव संभव होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, कुहुड़ी पहरिया अर्थ कौन पचार। कुहुड़ी पहरिया अर्थ हो वृथा परिश्रम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुहुड़ी पहरिया मान हो वृथा परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलु करदे अर्थ पचार। चलु करदे अर्थ कौन ना सबू शेष करदे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चलु करदे अर्थ सबू शेष करदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, लोलुप दृष्टि पकाया अर्थ अर्थ बुझाऊ रूढ़ी लगे। लोलुप दृष्टि पकाइवा ता अर्थ हो आखि पकाइवा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आखि देवा हेनि कि आखि रखा हेनि आखि पकाइवा। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, पसंद करवा ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी कौन। ताल पसंद करवा अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी कौन ना। ऑप्शन ए कला आखि की पाइबा, बी कला आखि पाइबा, सी कला आखि बुलाइबा, डी कला आखि खोलिबा। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए आखि की पाइबा। ताल पसंद करवा अर्थ आखि की पाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, भल बेल पड़ा ये अर्थ बुझाऊ रूढ़ीटी लेख। ताल भल बेल पड़ा कौन। ऑप्शन ए कला कपाल फाटा, बी कला कपाल खोलिबा, सी कला बी कहला कपाल खोजा, सी कहला कपाल खोल, डी कहला कपाल देखा। ताल भल बेल पड़ा मान हूँ कपाल खोल, भल बेल पड़ा मान कपाल खोल। सो फ्रेंड्स, यहाँ थी लास्ट क्वेश्चन। जदि भिडियोटी भल लगे तो भिडियो गोटे गोटे लाइक कर, सेयार कर, सब्सक्राइब कर, धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन कहला, ओडिया भाषा व्यवहूत केतेक शब्दर मूल उत्स संस्कृत शब्द रही एगुड़ी को क्यों शब्द कहा जाए। ऑप्शन ए कहला देशज, ऑप्शन बी कहला वैदेशिक, ऑप्शन सी कहला तत्सम, ऑप्शन डी कहला तद्भव। ताल हमारा राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी तत्सम। ताल ओडिया भाषा व्यवहूत केतेक शब्दर मूल उत्स जो संस्कृत शब्द रही आम तत्सम शब्द बोली कहू। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, ओडिया भाषा प्रचलित देशज शब्दर केतोटी स्तर रही। ताल ओडिया भाषा जो प्रचलित होची देशज शब्द तार केतेटा स्तर रही। ऑप्शन ए कहला चारोटी, ऑप्शन बी कहला तीनोटी, ऑप्शन सी कहला दुईटी, ऑप्शन डी कहला गोटे। ताल हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी तीनोटी। ताल ओडिया भाषा जो प्रचलित देशज शब्द गुड़िया रही तार तीनटा स्तर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कहला गठन दृष्टि शब्द को केते भाग में विभक्त कराई ऑप्शन ए कहला चारोटी ऑप्शन बी कहला तीनोटी ऑप्शन सी कहला दुईटी ऑप्शन डी कहला गोटे ताले गठन दृष्टि शब्द को आमर दी भाग में विभक्त कराई ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर गठन दृष्टि शब्द को दी भाग में विभक्त कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो शब्द रु वर्ण काटी अर्थ करी हुए नाही ओ वर्णटीए काटी देले शब्दर रूप अर्थर हानि घटे ताको कौन कह जाए ऑप्शन ए कहला अजुग्म शब्द ऑप्शन बी कहला मौलिक शब्द ऑप्शन सी कहला जुग्म शब्द ऑप्शन डी कहला जैविक शब्द तार हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी मौलिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहला चशमा वैदेशिक शब्दर मूल उत्स कौन ताले जो चशमाटा गोटे वैदेशिक शब्द देला आर मूल उत्स कौन ऑप्शन ए कहला जावनिक ऑप्शन बी कहला इंग्राजी ऑप्शन सी कहला तुर्की ऑप्शन डी कहला पारसिक ताले हमारा आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी पारसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रियार मूल रूप को कौन कह जाए ऑप्शन ए कहला शब्द ऑप्शन बी कहला अन्वय ऑप्शन सी कहला प्रत्यय ऑप्शन डी कहला धातु ताले आम राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी धातु ताले क्रियार मूल रूप को आम धातु कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जोथर वस्तुर व्यक्तिर संख्या जमापड़े ताको कौन कह जाए ऑप्शन ए कहला धातु ऑप्शन बी कहला वाक्य ऑप्शन सी कहला वचन ऑप्शन डी कहला शब्द ताले आम राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी शब्द ताले जोथर वस्तुर व्यक्तिर संख्या जमापड़े ताको आम शब्द बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिया रे वचन केते प्रकार ताले ओडिया रे वचन केते प्रकार ऑप्शन ए कहला पांच प्रकार ऑप्शन बी कहला चार प्रकार ऑप्शन सी कहला तीन प्रकार ऑप्शन डी कहला दुई प्रकार ताले हमर आंसर हिजो ऑप्शन नंबर सी तीन प्रकार ताले ओडिया रे वचन हमर तीन प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ओडिया शब्द भंडार को केते भाग रे विभक्त कराई ऑप्शन ए कहला चार भाग रे ऑप्शन बी कहला तीन भाग रे ऑप्शन सी कहला दुई भाग रे ऑप्शन डी कहला गोटे ताले हमर ओडिया शब्द भंडार को हमर चार भाग रे विभक्त कराई ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया संस्कृत भाषा रे केतक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होउजे एहा को केउ शब्द कह जाए ताले संस्कृत भाषा रे जो शब्द गुड़िक माने अपरिवर्तित होई कि से ओडिया भाषा रे जो अविकल व्यवहार होउजी तको हमर कोन कह जइबो ना तत्सम बोली कह जाए ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर तत्सम बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया तत्सम रो अर्थ कोन ऑप्शन ए कहला प्रायत समान ऑप्शन बी कहला समान प्रकार ऑप्शन सी कहला ता सहित समान ऑप्शन डी कहला सही भली ताले हमर आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी ता सहित समान ताले तत्सम अर्थ है ता सहित समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया इच्छा अर्थ रे धातु परे सन प्रत्यय हुए यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को कौन कह जाए ताले सन प्रत्यय निष्पन्न पद को मन रखिए सनंत पद कह जाए ऑप्शन बी इज राइट आंसर सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सनंत पद कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ शब्दर अर्थ केउटी आ भितर अ शब्दर अर्थ कोटा ऑप्शन ए कहला विष्णु ऑप्शन बी कहला मस्तक ऑप्शन सी कहला जल डी कहला आकाश ताले अ शब्दर अर्थ हो विष्णु ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईश यार प्रकृत अर्थ कौन ताले ईश्वर प्रकृत अर्थ कौन ऑप्शन ए कहला पवित्र बी कहला लंगल दंड सी कहला ईश्वर डी कहला दक्ष ताले हमारा आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ईश्वर ताले ईश्वर प्रकृत अर्थ हो ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केउटी गोटे आदिवासी शब्द ताले आदिवासी शब्द कोटा आंठू हे जो गोटे हमारा आदिवासी शब्द ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर आदिवासी शब्द गोटे आंठू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों शब्द टी तुर्की भाषा आसी ताले तुर्की भाषा आसा शब्द कौटा ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर गालीचा गालीचा हूँ तुर्की शब्द आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्यों शब्द टी जावनिक शब्द ताले जावनिक शब्द कौटा ना ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर मुदाला हूँ गोटे जावनिक शब्द मुदाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शिव शब्दर स्त्रीलिंग शिवानी एठारे केउ प्रत्यय जोग करी स्त्रीलिंग कराई जे ताले शिवर जो शिवानी हेची को प्रत्यय जोग कराई जे आनी प्रत्यय जोग कराई जे आनी ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया किणा बिका एई जुग्म शब्द टी केउ प्रकार दुई शब्दर संयोग रे गठित होई जे ऑप्शन ए कला समार्थक ऑप्शन बी कला अर्थयुक्त अर्थहीन ऑप्शन सी कला विपरीतार्थक ऑप्शन डी कला द्विरुक्ति ताले हमर आंसर हे जो ऑप्शन नंबर सी विपरीतार्थक ताले किणा तार विपरीत बिका ताले ये जो दीटा जुग्म शब्द मिसिकी गठित होइछि हमर किणा बिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया काने काने यही जुग्म शब्द टी केउं प्रकार दुई शब्दर संयोग गठित होइ ताले काने काने एटा हमर द्विरुक्त कोन ना द्विरुक्त शब्द काने काने ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बासन कुसन एटा केउं प्रकार दुई जो जुग्म शब्द मिसिकी होइछि ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर अर्थयुक्त आ अर्थहीन ताले बासन आमर अर्थ बासन कि जोटा अर्थ अछि किन कुसन कि अर्थ अछि कि अर्थ नै ताले अर्थयुक्त आ अर्थहीन मिसिकी बासन कुसन आमर होइछि ताले ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया
पठन करिवार इच्छा एक पदर कौन हम तेल पठन करिवार इच्छा कहीं जो पिपठिसा हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर पिपठिसा पठन करिवार इच्छा पिपठिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आतिशय्य अर्थ बुझाई धातु सह क्यों प्रत्यय जोग करा जाए ऑप्शन ए कहला निज ऑप्शन बी कहला सन ऑप्शन सी कहला जौ ऑप्शन डी कहला कौनसी नुहे तेल आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जौ ताले आतिशय्य अर्थ बुझाई धातु सहित जौ प्रत्यय जोग करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया निम्नोक्त शब्द गुड़िकर भिन्नधर्मी शब्द कौटा भिन्नधर्मी ऑप्शन ए कहला सुख दुख बी कहला भलमंद सी कहला किणाबिका डी कहला धनरत्न तेल आंसर हो ऑप्शन नंबर सी किणाबिका है आम भिन्नधर्मी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आतिशय्य बुझाई धातु में क्यों प्रत्यय जोग कराए ऑप्शन ए कहला क्रुज बी कहला निंच सी कहला जौ डी कहला सन तेल आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया गमन करिवार इच्छा एक पदर प्रकाश कले कौन हम ना जिगमिशा ऑप्शन सी हो राइट आंसर गमन करिवार इच्छा जिगमिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया भिन्नधर्मी शब्द कौटा पचारा ऑप्शन ए कहला बासनकुसन बी कहला लुगापटा सी कहला बंधु बांधव डी कहला पेट पटना तेल आंसर होप्शन नंबर सी बंधु बांधवटा हो गला भिन्नधर्मी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आउ गोटे भिन्नधर्मी शब्द पुणी पचारा तमसा पिपठिसा पिपासा जिज्ञासा तेल आंसर होप्शन नंबर ए तमासा हो गए भिन्नधर्मी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया आरिशा या क्यों शब्द तेल आरिशा गोटे क्यों शब्द ना आरिशा हूँ गोटे तत्सम शब्द आरिशा है गोटे तत्सम शब्द ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शब्द वाक्य व्यवहूत हेले कौन कहते शब्द जितेबाला वाक्य व्यवहूत हे वाक्यांश बोली ना ऑप्शन बी हो राइट आंसर वाक्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया एक बा एकाधिक अक्षर मिसी कौन अर्थ प्रकाश करुले कौन कहते हैं एक बा एकाधिक अक्षर जो मिसिकी कौन अर्थ प्रकाश करक्य कहना आगु भी पड़ जाए ऑप्शन सी हो राइट आंसर वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया गोटे उक्ति वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुए तो वाक्यर प्रत्येक अंश को आम शब्द कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया जहाद्वारा मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाशित हुए कौन कहते मनर भाव प्रकाश हेल्ले पद कहन ए हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया जो पद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति जाति वस्तु गुण व क्रियार नाम को बुझाए कौन कहते ऑप्शन सी हो राइट आंसर विशेष पद कहुए ताले जो पद कौन निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझाए कि जाति को बुझाए कि गोटे वस्तुर नाम को बुझाए आम विशेष पद कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया भाषार सर्वनिम्न एक को कौन कहुए भाषार सर्वनिम्न एक को आम शब्द कहुए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्योंटी शब्दर गुण ऑप्शन ए कहला ध्वनिर समाहार ऑप्शन बी कहला सार्थक ध्वनिर समाहार ऑप्शन सी कहला पर्यायक्रमिक सार्थक ध्वनिर समाहार डी कहला उपरोक्त कौन सी तेल आंसर ऑप्शन नंबर बी सार्थक ध्वनिर समाहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया क्योंटी सरल प्रकृतिर शब्द ऑप्शन ए कहला घर बी कहला घर को सी कहला घर ठारू डी कहला घर तेल आंसर ऑप्शन नंबर ए घर ताले घर हूँ गोटा सरल प्रकृतिर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया शब्द कहा जो अर्थ प्रकाश करिवार समर्थ हुए ऑप्शन ए कहला केवल धातु जो ऑप्शन बी कहला केवल प्रत्यय जो सी कहला धातु और प्रत्यय उभय जो डी कहला निज गुण जो तेल आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल धातु जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला धातु सहित कौन जोग कले शब्द गठन कराए ऑप्शन ए कहला प्रत्यय बी कहला अन्य धातु सी कहला अन्य शब्द डी कहला क्योंटी नुह तेल आंसर ऑप्शन नंबर ए धातु सहित जब प्रत्यय जोग करवा तेल आउ गोटे शब्द गठन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया गोटे मात्र समाविका क्रिया थी वाक्य को कि वाक्य कहुए तेल गोटे मात्र समाविका क्रिया थी से सरल वाक्य ऑप्शन ए हो राइट आंसर सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया बापा बजार को जाए माछ आणिले गठन दृष्टि कि प्रकार वाक्य तेल गठन दृष्टि यह आम सरल वाक्य जेहेतु गोटे मात्र समाविका क्रिया अच्छी तेल यहाँ आम सरल वाक्य बोली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला परस्पर निर्भरशील दुई बा तत्वधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य कि वाक्य कहुए तेल दुई बा तत्वधिक सरल वाक्य समाहार है मैंने से जैविक वाक्य ऑप्शन बी हो राइट आंसर जैविक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कहला पूजा विद्यालय को गला मात्र श्रेणी में बसी पारा ना गठन दृष्टि कि प्रकार तेल मात्र लगला कमा लगला ये आम जैविक वाक्य ऑप्शन डी हो राइट आंसर जैविक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कही जाने ड्या सुंदर कही जाने कथा सुंदर ऑप्शन ए हो राइट आंसर कही जाने कथा सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कहुए ऑप्शन बी हो राइट आंसर वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया वाक्यर व्यवहार करा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को कौन कहुए ताले ऑप्शन ए कहला आसती
बी कला योग्यता, सी कला आकांक्षा, डी कला पदविन्यास। तो आमर आंसर हम ऑप्शन नंबर बी योग्यता बोली कहुए ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर योग्यता। ताले वाक्यर व्यवहार कराई पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को आम योग्यता कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता जब अपेक्षा कैर ताको कौन कह? ऑप्शन ए कला वाक्यांश, बी कला वाक्य, सी कला आकांक्षा, डी कला आसति। तर आंसर है ऑप्शन नंबर सी आकांक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य पद योजना व सौंदर्य को कौन कह? ऑप्शन ए कला आकांक्षा, बी कला आसति, सी कला योग्यता, डी कला खंडवाक्य। तो आम आंसर है ऑप्शन नंबर बी आसति। तो वाक्य पद योजना व सौंदर्य को आमर आसति बोली कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, नरेश व्यवसाय रु बहुत रोजगार करुच्छे, वाक्य उत्पादन कारक कौन? उत्पादन कारक कौटा ना व्यवसाय रु, व्यवसाय रु होमर उत्पादन कारक। ऑप्शन बी हो राइट आंसर, नरेश व्यवसाय रु बहुत रोजगार करुच्छे, तेल व्यवसाय रु उत्पादन कारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंडवाक्यर समन्वय कि वाक्य गठित हुए? ऑप्शन ए कला मिश्रवाक्य, बी कला जटिल वाक्य, सी कला सरल वाक्य, डी कला जैविक वाक्य। तार आंसर है ऑप्शन नंबर बी जटिल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, वाक्य दुई कर्मक क्रियापद थिले केउ कर्म पर केउ कर्म व्यवहार कराए? ऑप्शन ए कला गौण कर्म पर मुख्य कर्म, बी कला मुख्य कर्म पर गौण कर्म, सी कला प्रथम कर्म पर द्वितीय कर्म, डी कला सरल कर्म पर जटिल कर्म। तार आंसर है ऑप्शन नंबर ए गौण कर्म पर मुख्य कर्म। ताले वाक्य दुई कर्मक क्रियापद थिले गौण कर्म पर मुख्य कर्म को व्यवहार कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य संबोधन केउठार बसे? ताले संबोधन पद आमर वाक्य आरंभ में बस ना वाक्य शेष में बस? ऑप्शन डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य विशेष्य पद पूर्व केउ पद बसे? ताले विशेष्य पद पूर्व आम केउ पद बस ना विशेष पद पूर्व विशेषण पद बस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य संबंधित पद पूर्व केउ पद बसे? ताले वाक्य संबंधित पद पूर्व आमर अवय पद बस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य आरंभ में ड्यास पद रहे? ताले वाक्य आरंभ में आमर कर्ता रहइबो, वाक्य आरंभ में कर्ता पद रहे, वाक्य शेष में कौन रहे? वाक्य शेष में क्रिया रहे। नेक्स्ट देखिया, वाक्य क्रिया सकर्मक होते कर्मपदटी केउ ठार बसे? ताले वाक्य क्रिया जदि सकर्मक होइतिबो कर्मपदटी आमर क्रिया पूर्व बस? ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, शिक्षक छात्र टी बहीटे देने वाक्य संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कौटा हो? छात्र टी संप्रदान कारक। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, उपयुक्त अर्थबोधक पद सहतीर उपयुक्त समाह डैस? ऑप्शन ए वाक्य, बी उपवाक्य, सी वाक्यांश, डी खंडवाक्य। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाक्य। ताले उपयुक्त अर्थबोधक पद सहतीर उपयुक्त समाह वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, गठित वाक्यर रूप डैस दृष्टि निर्धारित हुए? ऑप्शन ए कला वाक्य दृष्टि, बी कला कर्ता दृष्टि, सी कला रूप दृष्टि, डी कला पदसंधि। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी पदसंधि दृष्टि निर्धारण कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य रूप केत भाग विभक्त? वाक्य रूप आमर दुई भाग विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य पदान्वय अवय पद केउठार बसे? ताले वाक्य पदान्वय अवय पद आमर संबंधित पद पर बसे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, पचारा वाक्यर गठनात्मक रूप केते भाग विभक्त? ताले वाक्यर गठनात्मक रूप मन रखिबो चारि भाग विभक्त, वाक्यर गठनात्मक रूप चारि भाग विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्यर प्रक्रियात्मक रूप केते भाग विभक्त? ताले वाक्यर प्रक्रियात्मक रूप आमर पांच भाग विभक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य नाही पद केउठार बसे? ताले वाक्य नाही पद आमर क्रियापद पर बसे मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य न केउठार बसे? ताले वाक्य न आमर क्रियापद पूर्व बसे, वाक्य न आमर क्रियापद पूर्व बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, वाक्य करण कारक पद केउठार बसे? ताले वाक्य करण कारक पद आमर कर्मपद पर ना कर्मपद पूर्व बस थाए। सो फ्रेंड्स, एटा थिला हमर लास्ट क्वेश्चन। जदि भिडियोटी भल लगी ताले वीडियो गोटे गोटे लाइक करिवो, शेयर करिवो, सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।